Now, there is one application part of Kirchhoff's law, that using Kirchhoff's law, calculate the potential difference across the 8 ohm resistance in the circuit. मुझे 8 ohm resistance के across potential drop निकालना है. Right, what is given to me? A circuit having two sources of 4 volt and 6 volt. And 1, 2, 3, 4, 5 resistances are there, right? I have to use Kirchhoff's law to calculate the potential drop across this resistance 8 ohm. अगर ऐसे questions आ जाते हैं जिसमें आपको current की direction भी नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, तो first of all, give the direction of the current, ठीक? और ये आप पे depend करता है कि करंट की डायरेक्शन आप क्या दे रहे हैं, राइट? हर स्टूडेंट का, हर पर्सन का अपना अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल, मैं ये सोच रहा हूँ कि दिस इज़ द बैटरी, यहाँ से भी करंट मिलेगा मुझे. आई एम टेकिंग हेयर करंट I1, यहाँ I1 है, तो यार इट विल बी I1, ठीक. हेयर करंट I2, तो यहाँ भी करंट I2 है, एंड हेयर करंट I3, ठीक है. अपने मन से ले लिया, यहाँ भी I3 है तो यहाँ भी I3 ही होगा, यहाँ I2 है तो यहाँ पर भी I2 ही होगा, ठीक है. अब जरा देखिएगा कि करंट जो है, हमने यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी लिया. आप चाहे तो यहाँ करंट यहाँ से लेकर के I1 यहाँ से लेते और I2 और I3 यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते थे. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि करंट कैसे आप डिवाइड कर रहे हैं या करंट की डायरेक्शन आप क्या ले रहे हैं, क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा और फिर आंसर भी वैसे ही है, ठीक. लेकिन फाइनली जो पोटेंशियल ड्रॉप 8 ओम के अक्रॉस आएगा वो सभी का सेम आएगा, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. नाउ अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहली बार करंट की डायरेक्शन ले लिया. सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट द जंक्शन पॉइंट जहाँ पे करंट आपको आती हुई और जाती हुई दिखे. तो मुझे एक पॉइंट डी दिख रहा है क्योंकि डी पे I2 आ रहा है एंड I1 आ रहा है. I1 एंड I2 आर इनकमिंग करंट एंड I3 इज आउटगोइंग करंट. तो आई कैन अप्लाइंग जंक्शन रूल एट डी. सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सॉरी, I1 प्लस I2 इक्वल टू आउट गोइंग करेंट I3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आप जो है लूप रूल जो है आप सॉरी जंक्शन रूल सी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि सी पे I3 इज इनकमिंग करेंट एंड I1 एंड I2 आर द आउट गोइंग करेंट. तो यहाँ पे यही आता है, I3 इनकमिंग करेंट हो जाती और I1 और I2 आउट गोइंग करेंट हो जाती है, ठीक है. नाउ आई हैव 3 वेरिएबल I1, I2, I3, तो मुझे इक्वेशन कितनी चाहिए? 3. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड रूल, दैट इज द लूप रूल. तो इसमें कितने लूप दिख रहे हैं आपको? एक लूप है ए डी सी बी ए, सेकेंड लूप डी ई एफ सी डी, थर्ड ए डी ई एफ सी बी ए, ये तीन लूप दिख रहे हैं आपको. हम इसमें से कोई दो ले लेंगे. नाउ अप्लाइंग लूप रूल इन ए डी सी बी ए, राइट? मैं इसमें किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ए बी सी डी. इसको अप्लाई करते हमें इसमें क्या शो करना है कि सम ऑफ
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, ये इक्वेशन लेना है। इसमें साइन कन्वेंशन क्या लूँगा मैं कि इफ द करंट, अगर सर्किट मूव करते समय करंट मेरे पैरेलल है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, और सेकंड बैटरी का जो पहला टर्मिनल मुझे मिलेगा वो बैटरी की पोलैरिटी, ईएमएफ की पोलैरिटी डिनोट करेगा। क्या कहा मैंने कि लूप में ट्रैवल करते समय इफ़ करंट इज पैरेलल टू मी पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव, एंड सेल की पहले टर्मिनल की जो पोलैरिटी होगी दैट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा साइन कन्वेंशन है। ठीक, अब मैं मूव कर रहा हूँ ए डी सी बी ए, इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ठीक, और जब इस तरीके से मूव कर रहा हूँ मैं, क्या मैं ऐसे नहीं मूव कर सकता हूँ, ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करना है एक बार, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, ए डी सी बी ए, नौ ए से चलना शुरू किया, कुछ नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, डी से आगे गया, 8 ओम रेजिस्टेंस मिला, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 8i3, पॉजिटिव क्यों ले लिया, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, करंट भी मेरे पैरेलल है, दैट्स व्हाई इट विल बी 8i3। आगे बढ़ो, फिर 6 ओम रेजिस्टेंस, करंट कितना है i1, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 6i1, फिर आगे गया, करंट मेरे पैरेलल है, दिस विल बी 2i1, सेल की पोलैरिटी पहले क्या मिली, नेगेटिव -4, एंड फिर ए तक पहुंच गया इक्वल टू 0। ठीक, तो व्हाट आई हैव गॉट, 8i3 प्लस 8i1 इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड लूप, कौन सा, डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी, अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल, डी ई एफ सी डी में किरचॉफ्स लूप रूल लगाइए आप। ठीक, मैं ऐसे चल रहा हूँ, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चला, ऐसा नहीं था, आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप सर्किट में कैसे मूव कर रहे हैं, तो मैं आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम डी, फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ मिलेगा मुझे, 4 ओम पे, करंट मेरे पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव, तो -4i2, फिर यहाँ सेल की पहली पोलैरिटी पॉजिटिव है तो ईएमएफ भी मैं पॉजिटिव ले लूँ। ठीक है, देन इधर यह करंट मेरे अगेंस्ट है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑन 1 ओम, दिस विल बी 1 × i2, दिस विल बी i2, फिर आगे गया, अगेन इस साइड भी करंट मेरे अगेंस्ट है तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, -8i3, यहाँ पहुँच गया इक्वल टू 0, तो दिस विल बी -5i2 -8i3 इक्वल टू -6, ठीक है, डैट इज 5i2 प्लस 8i3 इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ आई हैव 3 वेरिएबल्स i1 i2 एंड i3 एंड 3 इक्वेशंस, सॉल्व कीजिए इन तीनों इक्वेशंस को, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस आई विल गेट i1 इक्वल टू 1/36 एम्पियर, i2 इक्वल टू 4/9 एम्पियर, एंड i3 इक्वल टू हाउ मच, i1 प्लस i2,
मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू 8 × I3, दैट इज 8 × 1/36 प्लस 4/9, एंड दिस इज इक्वल टू 3.78 वोल्ट। ठीक, चलिए, थैंक यू।